गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ होगा शायद 1:15 हुए होंगे और मैं अभी घर पर ही हूँ, कहीं सुबह से गया नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी कोई स्कूल ड्यूटी नहीं है, एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हुए हैं। और सुबह से क्या किया, मेरे 2 घंटे का था सिटिंग डेस्क के ऊपर क्योंकि बैक टू बैक जो वीडियोज़ पेंडिंग थी, जो आज भी आई थी, जो कल देर रात आई क्योंकि कल रात को मैं कुछ खास देख नहीं पाया था, तो वो मैंने सुबह सुबह बैठ के ख़त्म कर दी। और फिर बाहर आया तो देखा कि ये झूला काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इसका मैंने अच्छा खासा डस्टिंग कर दिया है, तो अब ये बैठने लायक हो चुका हुआ है। तो अब मैं कुछ देर यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा और पैर पे भी मैंने बैंडेज फिर से चढ़ा दिए क्योंकि इस साइड पे मेरे को स्वेलिंग लग रही है अभी भी, तो अभी लगेगा, अभी पेन तो नहीं हो रही। तो पेन नहीं हो रही तो फिर मैंने वो मेडिसिन खाना बंद कर दिया था क्योंकि उससे ना मेरे को अजीब सा नशा हो रहा था तो मेरे काम में तो नशा बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको खाना बंद कर दिया। एक ही टैबलेट खाई है बस, एक ही से मैनेज हो गया अभी तक, तो होपफुली उसको दोबारा ना ही खाना पड़े। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ क्योंकि धूप नहीं आ यहाँ पर आ रही, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखता हूँ कुछ कॉल्स वगैरह अगर पेंडिंग है तो वो निपटा लेता हूँ यहाँ बैठे बैठे लंच आवर से पहले। अभी आधे घंटे बाद फिर मेरा एक लाइव शुरू हो जाएगा तो वो देखने के लिए तो फिर अंदर चले जाऊंगा। स्टाइल है ना। तो अभी बस मैं नीचे आया था ड्राइंग रूम में, अभी चाय पिए और अभी चेस की गेम एक ख़त्म की है क्योंकि स्कूल टाइम पे तो चेस का मौका ही नहीं मिला एग्ज़ाम्स के दिनों में, तो फिर ऐसे ही फ्री थोड़ा सा लिबर्टी मिली टाइम की, तो मैंने सोचा चलो चेस खेली जाए। और फिर मेरे को था कि चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी देख लेता हूँ, तो इस बार मैंने लैपटॉप पर चेस खेली और लैपटॉप पर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और काफ़ी टाइम लगा। गेम तो मैंने खेल ली बट उसकी रिकॉर्डिंग कैप्चर करते करते मेरे को टाइम लग गया कई बार। वो मेरा ना उसमें सेटिंग को चेंज करना पड़ता है कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो या इंटरनल माइक यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का नाम मिलता जुलता था तो मेरे को लगा ही नहीं। मैंने वायर कनेक्ट कर दी एक्सटर्नल माइक के साथ और कैप्चर हो रहा था इंटरनल माइक, तो इंटरनल माइक तो लैपटॉप का होता है ना, तो लैपटॉप दूर पड़ा होता है मेरे फेस से काफ़ी दूर पड़ा था, तो अजीब सी साउंड आ रही थी। मैं कह यार इतना महंगा मैंने माइक यूज़ कर रहा हूँ और आवाज़ ऐसी आ रही जैसे पता नहीं वो दूर दरवाजे के पीछे जाके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर फाइनली मैंने हल्का सा उसको उसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ की उस विंडो की, तो मेरे को पता लगा, मैं कह यार ये ब्लू येटी नहीं है, ये तो कुछ और ही कुछ आ रहा है। तो फिर मैंने कैप्चर की, फिर उसका गेन काफ़ी बड़ा हुआ था, तो करते करते चेस की चेस हो गई और साथ में रिकॉर्डिंग जो टेस्टिंग करना था तो वो मैं कर चुका हूँ। अभी पता नहीं 5-6 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है तो मेरे को देखना है 10 या 15 मिनट का रिकॉर्डिंग वो कर पाता है कि नहीं कर पाता स्क्रीन शेयरिंग एंड विद ऑडियो विद गुड क्वालिटी ऑडियो। और फिर क्या हुआ कि मैंने अपने जो मेरे सब्सक्रिप्शन की जो लिस्ट है ईमेल वाली, वीलॉग वाली नहीं, वीलॉग वाले तो बड़े कम हैं अभी, अभी तो 100 भी नहीं पूरा हुआ, तो 1 महीना हो गया, आप करते ही नहीं हो, वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो एनी हाउ तो मैंने वो लिस्ट में एक केस स्टडी भेजी थी, एक क्या कहते हैं डॉटर एंड मदर ने अच्छा खासा बिजनेस किया था ई कॉमर्स में, तो उससे रिलेटेड फिर मेरे को किसी का अभी व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया तो कहते हैं कि मैं आपकी मेल्स को मैं डेली बेसिस पे फॉलो कर रही हूँ, बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं, तो दिल तो करता है कि मैं स्टार्ट कर लूँ बट कुछ ना कुछ हेजिटेशन सा रहता है क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है बाकी कोचेस के साथ वो इतना अच्छा नहीं रहा। पर इस लेडी ने मेरे से बात की थी लास्ट ईयर, आई थिंक 21 में बात हुई थी, तो उस टाइम पे भी कुछ फनल का बात हुआ था, तो आगे बात फनल मींस मार्केटिंग फनल होता है, स्ट्रेटजी कह सकते हो आप,
तो फिर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, लंबी चौड़ी डिस्कशन तो कर ली तो ऐसे ऐसे करके। तो पर अभी भी वो देखो लास्ट ईयर से मेरे को फॉलो कर रही है वो लेडी मेरी मेल्स को स्पेशली। तो फिर मैंने बोला मैं कि मैम देखो स्टार्ट जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा, और मैं मानता हूँ कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे बाकियों से तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं ले सकता, पर अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो और पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो मेरी ईमेल्स में कुछ ना कुछ तो एंगेजमेंट ऐसी रही होगी ना कि आप अभी तक मेरे को फॉलो कर रहे हो, अभी तक आपने अनसब्सक्राइब नहीं किया। मैं क्या शुरुआत में नंबर्स तो मैम कम ही रहते हैं, मैंने फिर अपना वो क्या कहते हैं वीलॉग की मार्केटिंग भी साथ में कर दी। मैं क्या देखो कि अगर आप वीलॉगिंग करते हो, मैं वीलॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे नंबर्स वहाँ पे अभी कम है क्योंकि वो मेरे लिए एक नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ है ना। मे बी मेरा ये जो चैनल है करंट वाला जो चैनल है, क्या पता आने वाले टाइम में मैं इसको बंद कर दूँ, पर इससे मेरे को जो सीखने को मिला और सीखने के बाद जब मैं अपना एक एक्चुअल चैनल एक और चैनल शुरुआत करूंगा या इसी चैनल को मैं और बेटर तरीके से इम्प्रोवाइज करके लेके आऊंगा तो वो ये जो एक काम अभी मैं कर रहा हूँ ये वेस्ट नहीं जाएगा। बात होती है एफर्ट्स की, अगर बंदा एफर्ट्स मारना ही छोड़ दे है ना, अगर 24 घंटे वो क्राई बेबी वाला साउंड चलता रहे कि मेरे से नहीं होने वाला भाई साहब, फिर तो कुछ ही नहीं हो सकता है ना। तो अब बच्चों का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में फाइनल एग्जाम होता है, पर फाइनल एग्जाम साल में एक बार आता है, पर उससे पहले कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं है ना। और ये नहीं कि लाइफ में सिर्फ एक ही क्लास होती है, कितनी सारी क्लासेस जाके वो बंदा अपना एक अर्निंग मोड में आता है। तो ये नहीं कि एक बार फेलियर मिला तो आप छोड़ के बैठ जाओ है ना। हर वक्त हमें हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए है ना। अब आपको लगेगा मैंने तो कोचिंग देनी शुरू कर दी, बट आज जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम हो गया 10:50, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट मेरे को ये वीलॉग अभी बंद करना पड़ेगा। उसका कारण है कि मार्केट में हो रही अच्छी खासी उथल पुथल, तो मैं सेल पे देख रहा था तो मेरे को लगा कि मेरे को मॉनिटर पे आना चाहिए, तो अचानक से बूस्ट आया तो मेरे को सब चार्ट्स वगैरह एक बार फिर से चेक करने पड़ेंगे। टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और एक तो लाइव भी आ जाएंगे आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है तो लाइव तो आना एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हो, अगर कुछ भी इंटरेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मल विद विकास। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और मैं इस वीडियो के बाद चेस का वीडियो भी साथ में अटैच कर दूंगा, मेरी कमेंट्री सुनना साथ में। थैंक यू। आज मैंने गेम कंप्लीट की, काफ़ी दिनों के बाद मैं पाया क्योंकि मोस्टली तो स्कूल टाइम पे खेलता था पर अभी नहीं खेल पाया। तो इसने शुरुआत की है वाइट से, और इससे क्या होता है जो इनिशियल मूव्स होती है ना उससे गेम प्लान चेंज हो जाता है। मैं मोस्टली घोड़ा आगे लेके आता हूँ पर इसने प्यादा ले लिया आगे तो मेरे को मूव करना पड़ा। अब अगर मैं यहाँ से अपना घोड़ा लेके आता हूँ तो ये मेरे को ब्लॉक करेगा, ये यहाँ पे लेके आएगा। अब ले आया, अब मैं आगे कहीं पे भी जाता हूँ ना, यहाँ पे लोग काफ़ी गलती करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये आगे से ले आएगा है ना, यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये कुछ ना कुछ आगे फिर से ले आएगा। तो बेटर यही है मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ कि उसको लगता है कि मैं पीछे हट गया है ना, चाहता है तो बड़ा वही है ना। तो अब मैंने थोड़ा सा ओपन किया है कि वो मेरे को अटैक करने के लिए यहाँ पे लेके आएगा ऊंट, तो वो भाई साहब दूसरा ले आया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ तो निकालना है ना, अपना ऊंट यहाँ से निकालूंगा या यही वाला निकालूंगा। तो अभी उसके लिए वो उसको लगा कि हाथी मेरा मार सकता है, पर ये गलती कर गया कि घोड़ा नीचे खड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि क्या मेरे को एनालाइज हुआ कि वो मूव्स अच्छी चल रहा है शुरुआत में, पर 2 मूव चलने के बाद ना अपनी पिछली मूव भूलता जा रहा है, जो कि मेरे लिए अच्छा है। और ये मेरे को याद रखना पड़ेगा पूरी गेम के दौरान कि 2 मूव के बाद उसका जो असर है ना उसके एग्रेशन का वो खत्म हो जाता है। अब देखो ये इसका एग्रेसिव मूव है। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा था। ठीक है, अब ये उसका सेकेंड मूव आएगा, इसके बाद सेकेंड मूव आ गया, अब वो इसको भूल जाएगा, ये मेरे को लग रहा है वो इसको फिर से भूलेगा। अब मैं ले आया ऊंट उसकी टेरिटरी में ले आया, मेरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे उसका कैसलिंग रोकना है ना, तो वो राजा इधर इससे कर पाएगा, इधर तो अभी क्वीन उसने छोड़ी नहीं है, पता नहीं क्या लगाव है क्वीन के साथ। अब मैं ऊंट मेरे को वापस लेके आना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे भूल गया ना इसको, इसका कुछ नहीं कर रहा है इस पीस का, तो वही मैं वो बता रहा था कि वो भूलता है। अब वो मेरे अपने घोड़े से मेरे ऊंट को मारने की कोशिश करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया मार दे क्योंकि मेरे को अपनी टेरिटरी में ज़्यादा पीसेस नहीं चाहिए। तो बदले में मैंने उसका घोड़ा कंज्यूम कर लिया। मैंने तो आपको बोलता हूँ ना कि मेरी टेरिटरी में अगर किसी का घोड़ा आता है तो मेरे को डर लगता है, सीधी बात है। तो ये हो गया, उसने कैसलिंग कंप्लीट कर ली, अब मेरे को भी करना चाहिए, मैंने भी कर लिया।
अब वो ऊंट लेके आया है। अब पता क्या होगा, इस ऊंट और इसकी रानी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं तो रानी को अटैक नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ ऊंट को कर पाऊंगा, बट उसकी रानी ब्लॉक करवा दी है। अब वो रानी के साथ कुछ खेल नहीं पाएगा, है ना। तो उसको पता नहीं है कि ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऊंट का वो कुछ कर नहीं रहा और रानी उसने चौकीदार बना दी अपनी, किसके लिए, अपने ऊंट के लिए, जो कि गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अभी वो थोड़ा सा एग्रेसिव मूव चला रहा है, आएगा या हाथी इधर अपने, ठीक है। अब वो ले आया, अब वो प्यादे के नीचे अपना हाथी लेके आएगा, देख लिया, एक्सपेक्टेड थी मूव्स। अब उसको मैं मौका दे रहा हूँ कि तू प्यादा अपना यहाँ पे लेके आ, उसको लगेगा अगर प्यादा यहाँ पे लेके आता है तो दोनों घोड़े उसके काबू में रहेंगे, जो कि हो रहा है। पर मेरे को एक मूव दिख रही थी कि अब मैं बारी बारी करके, मैंने एक गैम्बल किया है कि उसकी रानी के पीछे अटैक करने की कोशिश करूंगा, और अब वो वापस गया, मेरे को लगा था यहाँ पे जाएगा पर नहीं गया, और अब मैंने यहाँ पे लेके आया। अब उसके पास एक ऑप्शन है, या तो प्यादे से मेरे घोड़े को मार दे, बट उसको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे गंदे दिमाग में एक चाल आ चुकी हुई है। अगर वो प्यादे से मारता है तो मैं रानी लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अगली चाल वो पता नहीं क्या चलेगा, और मेरा क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पे जाऊंगा, इधर आएगी मेरी क्वीन और उसको मिलेगा चेक, और पॉसिबली वो चेक मेट हो सकता है क्योंकि का राजा यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा और यहाँ पे घोड़े को प्रोटेक्शन है। अब देखते हैं कि उसने क्या किया। काफी टाइम यहाँ पे लग गया, मेरे को लग गया कि उसने मेरी चाल पकड़ ली है, पर उसने क्या किया, वो भाई साहब इसको लेके आ गए। इट मीन्स वो यही सोच रहा था, इस ऊंट को सोच रहा था, वो ये सब चीजें भूल गया यहाँ पे जो किया था। दो चालों के बाद वो भूल जाता है, ये वो वाला हिसाब है इसका, गजनी वाला। तो अब वो लेके आया राजा, इधर ले आया, वो प्यादा नीचे लेके आएगा, वो प्यादे से इधर मारेगा, और मेरे को रानी अटैक करने के लिए कुछ है नहीं ऑप्शन। तो अब मैं अग्रेसिवनेस शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घोड़े लेके जा रहा हूँ उसकी टेरिटरी में। अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरे को यहाँ पे लेके आना है अपना घोड़ा, और दोनों जो हाथी हैं वो मेरे रडार पे आ जाएंगे। अब वो क्या कर रहा है मेरे को खुद नहीं समझ में आ रही, ये भाई साहब घोड़े को लेके आगे आ रहा है तो इसको तो मैं मार सकता हूँ, तो मैंने मार दिया। अब वो प्यादे से मारेगा और मेरी रानी खतरे पे आ जाएगी हाथी से, तो उसने एक हाथी अपना सेव कर लिया इस तरीके से। अब वो प्यादा यहाँ पर है तो वो लेके आएगा हाथी को यहाँ पर, ठीक है। तो ये चाल तो उसकी बनती थी, पर इससे अपना प्यादा उसने मरवा लिया है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को यही मारना पड़ना था। अब मैंने पता क्या करना है, जैसे ही वो इस डायगोनल फॉर्म में आ गया ना उसका हाथी, अभी तो सपोर्ट में है, अब वो या तो नीचे आके मेरे को चेक देने की कोशिश करेगा, पर मेरे को क्या करना है, किसी तरीके से अपनी रानी कहीं साइड पे करनी है कि इसका हाथी मेरे ऊंट के निशाने पे आ जाए। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, देखा, वो भी पूरा एक्सपेक्टेड था कि वो चेक ही देने आएगा क्योंकि इजी मूव था उसके लिए। अब वो वापस यहाँ पे चेक देगा तो मैं राजा ऐसी पोजिशन पे लेके जाऊंगा जहां पे वो मेरे को फर्दर चेक ना दे सके, अदरवाइज ये दोनों ही खेलते रहेंगे तो मेरी बाकी सेना क्या करेगी। देखो क्या हुआ, मैंने बोला था ना रानी मेरे को यहां से हटानी है। अब उसको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ गेम खेलने वाला हूँ इस घोड़े के साथ और रानी के साथ, पर वो दो चालों के बाद वो अपना भूल जाता है ना, बोला था ना ये गजनी है, तो ये हाथी भूल गया। अब मैं क्या करूंगा, उसने मारा, अब यहाँ पे उसकी डेस्परेशन दिख रही है साफ, और मेरे को लग रहा है कि वो गेम से अब उसका मन हट गया है, अब वो कर नहीं पाएगा इसको मैनेज, अब वो नहीं कर पाएगा। अब मेरे को चेक ही देने हैं, इतने चेक्स दे सकता हूँ। अब यहाँ पे लेके आऊंगा रानी और नीचे उनसे भी चेक आ जाएगा। अब वो नीचे जाएगा और मैं यहाँ पे आके उसको दे दूंगा चेक, और मेरे को लगता नहीं अब उसके पास कोई मूव है, और शायद वो भाग गया, और इस तरीके से ये गेम मेरे पाले में आती है।